तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। तो दोस्तों आपको फिर एक और नई वैकेंसी वीडियो के साथ आया हूं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये छोटा सा वीडियो है, एमपी अबकारी सिपाही 2022 महिला और पुरुष दोनों के लिए है। पद की बात करें दोस्तों तो 200 सीटें हैं और क्वालिफिकेशन का बात करते हैं तो 10+2 इंटर पास के लिए है दोस्तों। और अप्लाई का लास्ट डेट बात करें तो ये अप्लाई शुरू हो रखा है दोस्तों 24/12/2022 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई का दोस्तों। और इसका एग्जाम का बात करते हैं दोस्तों तो इसका एग्जाम दोस्तों ऑनलाइन सीबीटी पैटर्न पे होगा दोस्तों। यही इसका फीस का बात करते हैं दोस्तों तो जनरल अदर स्टेट के लिए, जनरल और अदर स्टेट जैसे एमपी मध्य प्रदेश का है दोस्तों तो जैसे अदर स्टेट के अगर हम भरते हैं दोस्तों और जनरल के है तो उनके लिए दोस्तों 560 रुपए का फीस है दोस्तों। और एससी एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी है दोस्तों तो आपको 310 रुपए का फीस रखा गया है दोस्तों। यही एज की बात करते हैं दोस्तों तो 1833 साल उम्र मांग रहा है दोस्तों। और एससी एसटी और ओबीसी और फीमेल के लिए 5 साल छूट है दोस्तों, ठीक है। और यही दोस्तों इसमें आइए अब यहाँ हम हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पुरुष के लिए 165.5 सेंटीमीटर और वही महिला की बात करते हैं दोस्तों तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए दोस्तों। चेस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 81 से 86 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस भर्ती का सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें फिजिकल नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये आपका मापदंड हाइट और चेस्ट का माप होगा दोस्तों और इसमें फिजिकल है ही नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिर्फ एग्जाम बेस पे भर्ती है दोस्तों। यही दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न का बात करते हैं दोस्तों तो जीके का 30 क्वेश्चन, मैथ और जीएस 30 नंबर का 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। टाइमिंग का बात करते हैं दोस्तों तो 2 घंटा 120 मिनट। पहले ही बता था दोस्तों फिजिकल नहीं है, नो फिजिकल है और ये इसको हम ऑल इंडिया बेस पे बोल सकते हैं क्योंकि अदर स्टेट के जब इसको अप्लाई कर सकते हैं तो ऑल इंडिया बेस पे भर्ती है दोस्तों। और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है दोस्तों और 200 पद है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इसको आप सरकारी रिजल्ट पर भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें पास होने के लिए दोस्तों कम से कम इसका 100 में 60 नंबर जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए कम से कम 50 नंबर एग्जाम पास करने के लिए चाहिए दोस्तों नंबर दोस्तों। तो जल्दी जल्दी जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए और आज से ही पढ़ाई में लग जाइए। और एसएससी जीडी का भी चल ही रहा है दोस्तों, उसका भी ज्यादा दिन बचा नहीं है, मात्र 30 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। तो 30 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। तो सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि आपके पास मात्र 30 दिन है तो जोर शोर सब लगा दीजिए, जैसे भी पढ़ाई हो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका है। और 30 दिन अगर आपने मेहनत कर लिया दोस्तों तो आप जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो यही में एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दूसरे वैकेंसी के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।